केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर शुक्रवार को सुबह एम्स से उनके बारा जनपद स्थित सरकारी घर पर लाया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पासवान को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। पार्थिव देह पटना स्थित लोजपा ऑफिस में भी अंतिम दर्शनों के लिए रखी जाएगी। शनिवार को पटना के दीघा घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। रामविलास पासवान का गुरुवार को 74 साल की उम्र में दिल्ली में निधन हो गया। वे पिछले कुछ महीनों से बीमार थे और 22 अगस्त से अस्पताल में भर्ती थे। पासवान 11 सितंबर को अस्पताल में भर्ती हुए थे। एम्स में 2 अक्टूबर की रात उनकी हार्ट सर्जरी हुई थी। इससे पहले भी एक बाईपास सर्जरी हो चुकी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पासवान के निधन पर कहा कि अपना दुख शब्दों में बयां नहीं कर सकता, मैंने अपना दोस्त खो दिया। पासवान मोदी कैबिनेट में सबसे उम्रदराज मंत्री थे। उनके निधन से भारतीय राजनीति में मायूसी छा गई है।